नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण अवतार आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। वैसे दोस्तों, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ नॉर्मली टेक वीडियोस होती है या फिर मेरी डेली ब्लॉग की वीडियोस होती हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं टेक वीडियोस या फिर डेली की ब्लॉगिंग की वीडियोस बनाता हूँ मैं। लेकिन आज की जो वीडियोस है मेरी रूटीन टॉपिक से हट करके है। ये कुछ अलग टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, इसको बनाने का कोई मेरा मकसद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं था, बस मैं यूँ ही इसको बना दे रहा हूँ। बनाने का बस मतलब सिर्फ इतना सा है कि इधर बीच मैंने टीवी देखी, न्यूज़ देखा और इस तरह की जो मैं देख रहा हूँ आजकल मोदी जी का विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बस इन चीज़ों के लेकर मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि कुछ हद तक सच्चाई आप लोग के सामने पहुँचा सकूँ कि क्या वास्तविकता है, सच्चाई क्या है, इन सब चीज़ों के पीछे क्यों उनका विरोध किया जा रहा है। तो इन सारे चीज़ों का सच्चाई मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मोदी जी की इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं। आजादी से लेके अभी तक इतने सालों में जो काम नहीं हुआ था वो मोदी जी ने इस दो साल में कर दिया। उन्होंने 500 और 1000 के नोटें बंद कर दिया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में जितना भी ब्लैक मनी था वो मैक्सिमम इन्हीं करेंसीज में था, 500 और 1000 के नोटों में। तो उन्होंने जैसे ही इसको बंद किया, 500 और 1000 के नोट खत्म, मार्केट से एकदम गायब हो गए। अब बचे रह गए छोटे नोटे, उसके अलावा उन्होंने नए नोटे ला दिया है। तो नए नोटों की वजह से मैक्सिमम जो है ब्लैक मनी वो पूरी तरह से खत्म। हमारे देश के सारे लोग, बहुत सारे लोग लगभग लगभग परेशान हैं इस वजह से कि उनकी डेली की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। बहुत सारी जरूरतें, मैं भी कहीं जाता हूँ तो ऑटो के लिए, चाय के लिए, इस तरह के पैसे जेब में खुले पैसे बहुत कम होते हैं और होते भी हैं तो बहुत सोच के खर्चे करने पड़ रहे हैं इस समय में। तो मोदी जी का ये जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कदम उठाया गया है इसको लेकर थोड़ी सी पब्लिक के साथ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम पब्लिक करीब 70-80% लोग मोदी जी के साथ में है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। 80-90% लोग सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को, केवल 10% लोग ऐसे हैं जो कि अलग होके उनका विरोध कर रहे हैं, बाकी मैक्सिमम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और जिन्हें अभी तक लगता था कि मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं या मोदी जी का विरोध में थे जो लोग, वो भी उनके इस कदम के बाद मोदी जी का साथ देने लगे हैं। के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और इन लंबी लंबी लाइनों में देश के सारे गरीब लोग लगे हैं, गरीब लोग, मिडिल फैमिली के लोग लगे हुए लाइनों में, लेकिन वहां से आवाजें नहीं आ रही हैं। आवाजें अगर कहीं से आ रही हैं तो संसद भवन से, नेताओं के घरों से, जिनके पास ब्लैक मनी रखा हुआ है। अभी जो गरीब लाइन में लगे हैं वो मैक्सिमम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बस यही कहना है कि हाँ भाई थोड़ी समस्या हो रही है लेकिन देश बदल रहा है, तो वो देश को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो सत्तारूढ़ हैं लोग हैं, जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें ये मंजूर नहीं है, उन्हें लगता है कि भैया नहीं, वो सपोर्ट में नहीं है, बाकी सारे लोग सपोर्ट से ज्यादातर लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन मैक्सिमम लोग प्रधानमंत्री जी के समर्थन में है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि नोटबंदी से फायदा है या नुकसान है, अगर फायदा है तो वो कितना फायदा है और नुकसान है तो वो क्या नुकसान है। आज मैं फायदे के बारे में बात करूंगा, नोटबंदी से क्या फायदा है। हमारे देश की मीडिया इन चीजों को नहीं दिखा रही है तो मुझे लगा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए, तो मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ आप लोग को। हालांकि जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपको मीडिया पे ना मिले या किसी न्यूज चैनल पे शायद ना मिले, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई मीडिया चैनल नहीं बताएगा, पहले ही कहा जा चुका है कि विमुद्रीकरण का फायदा आम जनता को अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन देश के लंबे आर्थिक समय के विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। आने वाले समय में इससे हमारे देश में फायदा ही होगा, समृद्धि ही आएगी, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसका फायदा होगा। तो आइए मैं आपको 15 टॉपिक जिनके बारे में आज मैंने नोट किया हुआ है उनके बारे में आपको बताता हूँ कि क्या अच्छा है। टॉपिक है जाली नोट। जी हाँ, पहला टॉपिक है जाली नोट। इससे जाली नोट 100% खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से जाली नोट खत्म। एक फैसला, जाली नोट खत्म, पूरी तरह से जाली नोट मार्केट से गायब हो गए। इससे देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आएगा और ये अभी दिखना भी शुरू हो गया है। अभी नोटबंदी के एक महीने नहीं हुए हैं, 3 दिन बाकी हैं अभी एक महीने होने में, लेकिन इसका असर दिखना स्टार्ट हो गया है। लेकिन हमारे देश के जो भ्रष्ट नेता हैं उन्हें ये बातें समझ में नहीं आ रही है,
मुझे तो ऐसा लगता है उनको या तो ब्लैक मनी की वजह से ऐसा लग रहा है या तो उन्हें किसी बाहरी ताकत ने घेर रखा है, किसी भूत पिशाच ने उनको वाकई पकड़ रखा है और उनको बुलवाया जा रहा है कि भैया नहीं इससे जो है हमारा नुकसान है, लेकिन इससे हमारा फायदा ही है। ब्लैक ये जाली नोटें पूरी तरह से 100% खत्म हो चुकी है। आतंकी घटनाएं जो भी बाहरी अशांतियां फैली हुई थी वो सब एक झटके में खत्म हो गई है। अभी एक महीने पहले अगर आप जाके देखते हो 8 नवंबर के पहले तक आप जाके देखो 5 नवंबर 3 नवंबर 2 नवंबर डेली कहीं न कहीं पे आतंकी हमला होता था हमारे कश्मीर पे। अभी कई सारे आतंकी हमले हुए, पत्थरबाजियां हो रही थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। जिहादी पूरी तरह से ठंडे पड़ गए, आतंकवादी नक्सली सब बंद खत्म। तो इसका सबसे बड़ा एक फायदा ये भी बेनिफिट है कि पूरी तरह से जो अशांति फैली थी पैसे की वजह से वो सब खत्म हो गई, पूरी की पूरी शांति आ गई है। इस समय हवाला के जरिए आतंकवादियों को जो पैसा भेजा जाता था, जिहादियों को जो पैसा भेजा जाता था, उस पर पूरी तरह से लगाम लग गई है। अब सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, हमने भी कहीं पर पढ़ा है, किसी न्यूज चैनल से हमने पढ़ा है, तो उस हिसाब से जो जानकारी अभी मिल रही है उसके अनुसार बाहर के जो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, उनको पैसा मिलना पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो बेसिकली पैसा जो यहाँ से इंडिया से भेजा जाता था वो पाकिस्तान में भेजा जाता था, पाकिस्तान में जो पैसा भेजा जाता था वो पूरी तरह से खत्म, पाकिस्तान खत्म, पाकिस्तान का जो उनके आतंकी थे वो खत्म, उनके टेररिस्ट इस वक्त एकदम सन्नाटे में आ गए, पैसा नहीं है उनके पास इस वक्त कि वो भारत पर हमले करवाए। तो ये सबसे बढ़िया काम था मोदी जी का कि आतंकवादी तो एकदम खत्म। जो अभी तक आपने देखा होगा एक महीने पहले पाकिस्तान बहुत बिलबिला रहे थे, उनके सारे न्यूज चैनल बिलबिला रहे थे, आतंकवादी बिलबिला रहे थे और वहाँ के पॉलिटिशियन बिलबिला रहे थे, लेकिन एक झटके में सब खत्म, सब सन्नाटे में आ गए हैं, पूरी तरह से एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। इस समय स्कूल चलाना मुश्किल हो गया था, बच्चों को पढ़ना मुश्किल हो गया था, बच्चे जो स्कूल जा रहे थे वो मुश्किल हो गया था, वो स्कूल में जाकर पढ़ नहीं पा रहे थे। तो स्कूल बंद हो गए थे सिर्फ इन पत्थरबाजियों की वजह से, हमलों की वजह से, लेकिन आज फिर से स्कूलें चलने चालू हो गई हैं। सेना ने कैंप लगा लगा के वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया है और उसके अलावा पत्थरबाजी तो पूरी तरह से खत्म हो गई है, लगभग 99.99% पत्थरबाजी खत्म हो गई है। इस तरह की जो भी हरकतें थी कश्मीर में वो सब एकदम खत्म, एकदम सन्नाटा हो गया वहाँ पे भी। बैंकों ने हॉस्पिटल्स के लिए मोबाइल एटीएम स्टार्ट किया है। जी हाँ, बैंकों ने हॉस्पिटल के लिए मोबाइल एटीएम स्टार्ट किया है ताकि मरीजों को पैसा निकालने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, उन्हें हॉस्पिटल में ही पैसे मिल जाए। इसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल में ही पैसा निकालने का जुगाड़ कर दिया है। जो कि बने हुए थे, खुले हुए थे, लेकिन पैसे नहीं थे उसमें, जियो बैलेंस में पैसे भी अंदर खुल रहा था, उसमें कुछ भी पैसे नहीं थे, लेकिन नोटबंदी की वजह से उनमें पैसे आने स्टार्ट हो गए। लोगों ने बचत करना सीखा, वो तो अलग बात है, उन्होंने खुलवाया था मोदी जी ने सिर्फ इसलिए कि लोग बचत करें, पैसे डालें, ऐसा सोच के मोदी जी ने अकाउंट खुलवा दिया था लोगों का। हालांकि उस वक्त हमें लग रहा था कि वो सिर्फ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी, प्लानिंग करवा के उन्होंने अकाउंट खुलवाए थे। और ये अभी क्या है, मेरे को जो ब्लैक मनी है वो गरीबों में बांट बांट के अकाउंट में भरवा रहे हैं, तो उनके भी अकाउंट में पैसे आने स्टार्ट हो गए हैं। अब गरीब आदमी भी बोल सकता भाई मेरे पास 1.5-2 लाख रुपए आ गए हैं। तो मैं न्यूज़ देने वाला हूँ, ये बहुत ही तगड़ी न्यूज़ है कि ये मैंने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि लोक अदालत में एक दिन में 55 लाख, जी हाँ 55 लाख पैसे से संबंधित फैसलों का निपटारा किया गया है जो पिछले कई सालों से अटके पड़े थे। जी हाँ दोस्तों, 55 लाख फैसलों का निपटारा किया गया है एक दिन में, जो काफ़ी समय से अटके पड़े हुए थे। ये बहुत ही एक बहुत बड़ा कदम है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के मुताबिक देश में 3 लाख करोड़ रुपए बैंक में जमा किए जा चुके हैं। जी हाँ, 3 लाख करोड़ रुपए बैंक में जमा किए जा चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। 3 लाख करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है और एक झटके में ये बैंकों में जमा किया जा चुका है। उद्योगपति बिजनेसमैन लोग जितने हैं वो पहले क्या किया करते थे कि टैक्स कम देते थे, अपनी इनकम कम दिखाते थे, टैक्स कम देते थे, लेकिन अब वो टैक्स जमा कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा टैक्स दे रहे हैं। पहले जो लोग झूठ बोल के कम देते थे वो अब पूरा टैक्स दे रहे हैं, और ये टैक्स का पैसा आप लोगों के लिए ही खर्चा किया जाने वाला है, हमारे लिए ही खर्चा किया जाने वाला है। ये पैसा मोदी जी अपने घर में लेके नहीं जाएंगे, ये हमारे ऊपर ही खर्चा किया जाएगा, हमारे ही विकास के लिए ये पैसा खर्चा किया जाने वाला है।
नार अपने बेचे हुए गहनों का रिकॉर्ड रख रहे हैं। जी हाँ, अभी जो नए रूल्स आए हैं उनके मुताबिक अब जितने भी सुनार हैं वो जितने भी गहने बेचेंगे आपको किसी को भी, तो वो उन सारे गहनों का रिकॉर्ड रख रहे हैं, वो इनका रिकॉर्ड इनका हिसाब उन्हें देना होगा। अब सालों से टैक्स नहीं भरा था, बिजली का टैक्स, फोन का बिल, इस तरह के जो बिल्स हैं वो नहीं भरे थे, वो अब अपना बिल जमा कर रहे हैं। तो ये इस तरह का टैक्स का पैसा भी हमारे ही काम आने वाला है। टैक्स होते हैं उन पे अभी तक चोरी की जाती थी, जिस पे बहुत ज़्यादा लगाम लग गया है, चोरी करने वाले गायब। इस वजह से अब लोग क्या कर रहे हैं कि टैक्स भर रहे हैं, हर तरह का टैक्स लोग खुद जाकर के जमा कर रहे हैं अपने से। जो छोटे छोटे पैसे जैसे चाय की दुकान, परचून की दुकान, छोटे दुकानदार जहाँ पे हम बेसिकली 5 रुपए से लेकर 20 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए तक का जो भी सामान खरीदते हैं, तो छोटे दुकानदार 5 रुपए, 10 रुपए के लिए भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। वो पहले कैश लिया करते थे लेकिन अब वो पेटीएम यूज कर रहे हैं, डिजिटल वॉलेट यूज कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये सीखने को मिला है और ये बहुत ही अच्छी चीज है। मुझे तो पहले से भी लगता था कि यार कभी कभी पास में कैश नहीं होता, बस हाँ पास में कार्ड होता है, तो अब उसका फायदा मिलने लगा है कि कहीं पे भी आपको कैश ले जाने की टेंशन नहीं है, पूरी तरह से टेंशन खत्म हो चुकी है। आपको बस जाना है और जो भी चीजें खरीदनी है, आपको चाय पीनी है चाय पी सकते हैं। हालांकि अभी तक ये पूरे देश में अप्लाइड नहीं हुआ है, मैक्सिमम 1 या 2% लोग ही यूज कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी जल्द ही यूज करें, ये मेरा सजेशन है, सुझाव है, रिक्वेस्ट है, लेकिन लोग जल्दी से जल्दी यूज़ करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और अगर आप पेटीएम वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छा है, आपको 10 रुपये की पेमेंट भी आपने पेटीएम से कर दिया, कैश की टेंशन ही नहीं रह गई अब तो। देश के सारे उद्योगपति, बिजनेसमैन लोग टैक्स तो जमा कर ही रहे हैं, साथ साथ में अपने काले धन के बारे में भी बता रहे हैं। अपने काले धन को जितना छिपा सकते थे उन्होंने छिपाया, लेकिन अब क्या है कि वो उन्हें निकालना पड़ रहा है, काला धन भी निकालना पड़ रहा है। और इस साल का टैक्स नहीं, वो अपने पिछले टैक्स भी भर रहे हैं जो उन्होंने कुछ सालों से नहीं भरे थे, पेंडिंग में उनके टैक्स पड़े हुए थे, वो उनको भी आकर के अब जमा कर रहे हैं। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं देखी गई हैं इधर बीच कि लोग अपने घर से आए और टैक्स भरा है और अपनी अपनी संपत्तियों की घोषणा कर रहे हैं वो। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये अभी के एग्जाम्पल्स हैं और ये अभी 1 महीने नहीं हुए नोटबंदी के, तब के एग्जाम्पल्स हैं और आने वाले समय में इसका फायदा पूरे देश में देखने को मिलेगा। अभी 1 महीने नहीं हुए हैं लेकिन फायदे देखने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के भ्रमितताओं पे मत जाएं। लोग आपको, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मीडियाज हैं, वो आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, आप उस पर मत जाओ। आप खुद का सेंस यूज करो, खुद से सोचो और खुद का दिमाग लगाओ, खुद से सोचो सब कुछ और आप समझो इस बात को कि भविष्य में हमें फायदा होने वाला है, इसका 100% हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। मैं मोदी या भाजपा को सपोर्ट नहीं करता, ना तो मैं अरविंद केजरीवाल, ना तो मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी से हूँ ही नहीं। एक्चुअली मुझे राजनीति में नहीं जाना है और राजनीति मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये वीडियोज बनानी पड़ रही है। हालांकि मैंने ये वीडियोज तो बना दिया आपको ताकि मैं कुछ सच्चाई बता सकूं आप लोगों को। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पसंद आता है तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को सच्चाई बता सकूँ। जी हाँ, नोटबंदी के बहुत सारे फायदे हैं जो कि आने वाले समय में आपको दिखने वाले हैं। अभी भी 1 साल में मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बहुत ही अच्छा, एक नया देश की जो नई एक तस्वीर बनने वाली है। भले आज पॉलिटिकल पार्टियां और कई सारे लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी देश के, दुनिया के 10 मजबूत नेताओं में से एक माने जाते हैं। दुनिया के जो 10 सबसे मजबूत नेता हैं उनमें से एक माने जाते हैं, और भारत के ये पहले नेता हैं जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। अभी तक कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ है। मोदी जी केवल पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं और पहली बार में ही वो दुनिया के टॉप 10 लीडर्स में हो गए हैं। अगर हम लोगों ने उनका सपोर्ट किया तो वो फ्यूचर में टॉप 1 के नेता होंगे, टॉप 1 के। आज भले टॉप 10 में है, कल को वो टॉप 1 पे जाएंगे। साल से अलग अलग पार्टियां शासन कर रही थी भारत में, कांग्रेस ने तो कई सालों तक शासन किया है, तो मैं कांग्रेस की ही बात कर लेता हूँ, कई सालों तक उन्होंने शासन किया है, लेकिन उन्होंने, उनका कोई भी नेता कहीं भी नहीं पहुंचा अभी तक। मोदी जी पहले ऐसे नेता हैं जो कि टॉप 10 में आए हैं,
तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, तो मुझे हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। आज की ये वीडियो बस इतनी, और आगे की वीडियोस में मैं कुछ और अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके आता रहूँगा। तो आज की वीडियोस में बस इतना ही, यहीं तक के लिए हमारा आपका साथ था। और अगर ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आपके सब्सक्राइब की लाइक की शेयर की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि जब आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा वीडियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं।